हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल है। और ये व्लॉग मैं वेंसडे की शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज है वेंसडे और ये जो है मैं रेडीमेड केक बना रही हूँ क्योंकि इंस्टेंट एकदम बिल्कुल अचानक से मुझे और बच्चों को केक खाने का मन कर गया, वो भी चॉकलेट वाला। तो बस ये घर में ये पाउडर रखा हुआ था, चॉकलेट का जो मिक्सचर होता है, जो पाउडर होता है, तो बस उसे मैंने जो है उससे बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें दो एग डाली हूँ और ऑयल पानी बस मिक्स करके फिर मैं फटाफट से इसे बेक कर दूँगी ओवन में डाल के, इलेक्ट्रिक ओवन में। और अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बेटर से बीट कर लूँगी तो ऐसे अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जो है दिल करने लगता है चॉकलेट केक या आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा खाने का दिल कर जाता है, तो बच्चों को करता है तो साथ में मेरा भी करने लगता है। तो बस अब मैं फटाफट से इसे बेकिंग पेपर लगा के इसे बेक कर दूंगी। और ऐसा कभी कभी खा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए और साथ में बच्चों का भी जो है पढ़ते, आजकल एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो पढ़ते पढ़ते उन लोगों का दिल थोड़ा सा वो हो जाता है कि मम्मा कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है, कुछ चॉकलेट या आइसक्रीम या कुछ इस टाइप का। तो मैं जल्दी से इंस्टेंट ये सब मैं रखी रहती हूँ और मैं घोलती हूँ और बना देती हूँ। तो बस मेरे पास जो है मैं इसे ओवन में डालूंगी और मेरे पास व्हिपिंग क्रीम या चॉकलेट, डार्क चॉकलेट नहीं है कि मैं ऊपर से इस पे पोर कर दूं। तो ये मेरा केक रेडी हो गया है और बच्चों ने एंजॉय कर लिया है और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। बस हम लोगों को इतना दिल कर रहा था खाने का कि हमने उसी बेकिंग ट्रे में ही कट कर लिया और बस मेरे पास वो व्हिपिंग क्रीम नहीं है या और भी कोई ऐसी क्रीम नहीं है कि मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। तो बस ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं, जब क्रेविंग होती है तो ऐसे ही इंजॉय कर लेना चाहिए। और बच्चों का तो मैंने खाना पीना कर दिया है, बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट खाना पीना होता है हम लोग के खाने पीने से, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा जैसे चिकन हो गया या कोई वेजिटेबल हो गया जैसे कि भिंडी वगैरह, तो मेरा छोटा बेटा भिंडी बहुत शौक़ से खाता है तो उसके लिए मैंने भिंडी बनाई थी तो वो भिंडी खा लिया, और बड़ा बेटा चिकन और वो सारी चीज़ें खा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो उसे मैंने जो है चिकन, ग्रिल चिकन दिया है और साथ में ही भिंडी की सब्ज़ी दे दी है तो वो खा लिया है। और अब मैं अपना और हबी का इंतज़ाम कर रही हूँ। जब हम लोगों को वेट लूज़ करना होता है तो बस हम लोग ये वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ये मिक्स वेजिटेबल है और मैंने सबसे पहले इसमें गोभी और स्वीट पोटैटो और शिमला मिर्च ऐड की है। और ये रेडीमेड वाला जो आता है मिक्स वेजिटेबल जिसमें बीन्स, कैरेट और पीज़ होते हैं और स्वीट कॉर्न भी होते हैं, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें तीन चार जवा जो है मैंने लहसुन ऐड किया है और ये मैं कलौंची डाल रही हूँ, कलौंची मींस मंगरेला या ब्लैक सीड कह लें, तो ये हमारे वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बस इतना सा करना है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर, और ये मेरी जो है मैंने इसे 10 से 15 मिनट ढक के रख दिया। और ये मेरा स्टीमर है, ये जो जाली टाइप है ये मैं पहले पॉट में पानी रखती हूँ और उसके पर ये नेट वाला रख देती हूँ और मेरे जो है वेजिटेबल्स रेडी हो जाते हैं, वो स्टीम वेजिटेबल्स ये है और इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं है। और ये हमारा डिनर हो गया है रेडी। और साथ में मैंने ग्रिल चिकन बनाया है जो कि मैंने मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ चिकन, और साथ में स्प्राउटेड सैलड है। और ये हमारा हेल्दी सा फूड रेडी है। और ये नेक्स्ट डे है, मेरे साथ थर्सडे और थर्सडे की सुबह है और मैं बनाने आई हूँ बच्चों के लिए लंच। तो लंच में मैंने बनाना है आज आलू के पराठे। तो किचन तो वैसे रात में मैं साफ़ करके सोती हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं इसे वाइप करती हूँ अच्छे से गीले कपड़े से, सारा गैस और जो है टॉप
फिर उसके बाद ये मैं पराठा बनाने लगी हूँ, जो कि मैंने रात में ही आलू को बॉईल करके और उसमें मसाले सारे ऐड करके और आटा गूंथ के रखा हुआ था। तो अब मैं पराठा बना रही हूँ, तो बस मैं दो ही पराठा बनाऊंगी बच्चों को के लिए, क्योंकि बच्चों की 11 o'clock पे छुट्टी हो जाती है, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो है लंच बॉक्स नहीं ले जाना होता है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं ले जाना होता है। वैसे भी पराठा थोड़ा हैवी हो जाता है, तो बस ये मेरा पराठा रेडी हो रहा है और मैंने अच्छी खासी स्टफिंग की है। तो स्टफिंग मैं रात में ही आलू को बॉयल कर ली थी और उसमें मैंने ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स और इसमें थोड़ा सा जो है भुने हुए गरम मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, ये सब मैंने ऐड किया है। और मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ जब मुझे पराठा वगैरह बनाना रहता है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि जो है आलू को बॉईल किया जाए, फिर मैश करो, फिर बहुत मतलब काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है काफ़ी ये सब करके सोती हूँ, काफ़ी कुछ करके सोती हूँ, जैसे आटा वगैरह मैं गूँथ लेती हूँ, क्योंकि रात में मैंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब हैवी डिनर नहीं बनाया था, तो सिंपल सा हमारा डिनर था, तो बस उसमें लिए सारा टाइम बचा हुआ था, तो मैं उसमें आलू वगैरह बॉयल करके सारा इंतज़ाम करके मैं सो गई थी। तो अभी मेरा फटाफट से पराठा रेडी हो गया है, तो ये मैं बना रही हूँ और पराठे को अच्छे से जो है मैं तलती हूँ और घुमा घुमा के आगे पीछे से इस तरह से करती हूँ कि अच्छा सा कलर आ जाए और उस पर जो डॉट्स बनते हैं वो भी अच्छे से बन जाए, क्योंकि बच्चों को मेरे थोड़ा सा जो है डॉट्स जब बन के आते हैं, क्रिस्पी सा जो लुक आता है, तो ही बच्चों को पराठा अच्छा लगता है। तो बस ये मेरे पराठे अब मैं घुमा घुमा के तल लूँगी। ये हो गए हैं मेरे पराठे रेडी और मैं ऊपर से जो है थोड़ा सा जो ऑयल ज़्यादा हो गया है उसे मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा जा रहा है दूसरा पराठा, और दूसरा पराठा भी मेरा जो है रेडी हो जाएगा। तो और अब मैं जितने भी ये सब आइटम है फ्रिज में रख दूँगी और साथ में ही मैं सारे काम करती जाऊँगी, जो फ्रिज में रखने वाले हैं वो फ्रिज में रख दूँगी और ये अपना टॉप साफ़ कर लूँगी और साथ में मैं इसे भी जो है तलती जा रही हूँ। पराठा मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है बहुत, तो ऐसा नहीं कि मैं डेली पराठा देती हूँ, कभी पराठा, कभी सैंडविच, कभी कुछ मतलब ऐसे ही होममेड चीज़ें मैं कभी कुछ, कभी कचौड़ियाँ, कभी कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ। तो ये इससे बच्चों का थोड़ा सा जो है बच्चे देर तक जो है बच्चों को भूख नहीं लगती। और ये मेरे दोनों पराठे रेडी हो गए हैं और अब मैं करूँगी टिफ़िन पैक। जब तक मैं गर्म गर्म पराठे उसी वक्त टिफ़िन में नहीं रखती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ठंडे हो जाने पे ही रखती हूँ। तो रात में मैंने बनाया था जो केक बनाया था, तो वो मैं केक रख दूँगी और स्पून रख दूँगी, ताकि बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खा के, जैसे बहुत ही स्पाइसी पराठा तो नहीं है, लेकिन बच्चों को कुछ भी नमकीन खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने की आदत है, तो केक बहुत मीठा तो है नहीं, इस पर मैंने कोई भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं डाला है, ना ही बहुत मीठी क्रीम वगैरह है, तो ये सिंपल सा एक जो है केक है, तो बच्चे इंजॉय कर लेंगे, खा लेंगे, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये मेरे लंच बॉक्स भी पैक हो गया है, वाटर बॉटल जो है भर के मैं बच्चों के बैग में रख दूँगी। तो ये बचा है इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये मेरे बच्चों के वाटर बॉटल भी तैयार हो गई है। बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं फ्रेश होने के बाद, थोड़ा ब्रेकफास्ट किए हैं, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स
और छोटा बेटा दूध लिया और अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बच्चे जा रहे हैं नीचे क्योंकि अब आ गई है बस। बस अभी आने बस आने से पहले ही हम लोग थोड़ा सा पहुंच जाते हैं, 2-3 मिनट पहले। तो बस अब बच्चे जा चुके हैं, ये बस जा रही है बच्चों की, और अब मैं जाऊंगी ऊपर और अपने लिए बनाऊंगी चाय क्योंकि मुझे अब चाय की बहुत तलब हो रही है। और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में वही आलू के पराठे दे दूँगी और जो लंच ले जाएंगे हस्बैंड वो होगा आलू का कतरा। तो आलू का कतरा आप लोग जानते होंगे, जो आलू के पतले पतले कतरे बनते हैं जो है उस वो बहुत ही इजीली बन जाता है, तो वो बनाऊँगी और साथ में मैं उन्हें पराठा दूँगी। तो ये उनका लंच बॉक्स हो जाएगा। थोड़ा सा जो है पराठा वगैरह खा लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट तो अच्छा करना चाहिए इंसान को क्योंकि डिनर तो लाइट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच अच्छे से करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम लोगों ने जो डिनर बहुत ही लाइट सा किया था, तो हम लोग मोस्टली लाइट सा करते हैं डिनर। तो अब ब्रेकफास्ट हम लोग का आलू के पराठे से होगा और लंच भी हो जाएगा आलू कतरा और पराठा। तो अब मैं ये बना रही हूँ आलू के कतरे, तो मैं डाल रही हूँ ऑयल पैन में, उसके बाद मैं डालूँगी मेथी। और मेथी भी बहुत ही हेल्दी होती है सब्ज़ी में और फ्लेवर भी बहुत अच्छा कर देता है आपकी सब्ज़ी का जो है टेस्ट इन्हेंस कर देता है। और साथ में मैं डालूँगी कलौंजी यानी मंगरेला, ब्लैक सीड। तो ब्लैक सीड आप हर खाने में डालिए और ये बहुत ही मुफीद होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और वेट लॉस में तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ है ब्लैक सीड। और ये मैंने डाला है आलू का कतरा और चाय पीते पीते मैंने आलू के कतरे कर दिए थे, यानी कि आलू की सब्ज़ी मैंने कट कर दी थी। और मैंने डाला है मटर, फ्रोज़न मटर और हल्दी, और ये मैंने डाला है सोया धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट और सॉल्ट ऐड करूँगी और उसके बाद मैं मिक्स करके इसे ढकने के लिए रख पकने के लिए ढक कर रख दूँगी 10 से 15 मिनट। और ये 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। तो ये इंस्टेंट सी जो है मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाती है जब कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या बनेगा, आज लंच में या ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊं, तो मैं ये सब्ज़ी बना देती हूँ और इसके साथ पराठा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट में मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल सी है और ग्रीन ग्रीन बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप लोग भी एक बार ये ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी सी और ये बहुत ही सिंपल सी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।